हमारा टाइम बर्बाद करके कैसा लगा आपको? दिखा लोकेशन पहले, दिखा। वाह, व्हाट अ लोकेशन। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। बाकी जो आज का सीन थोड़ा ऐसा है, आज हम जा रहे हैं रील्स बनाने। वैसे जर्नली कोमल घर आती है, पर अभी थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए लॉकडाउन खुलता है, तो अभी हम कोमल के घर के पास जा रहे हैं। क्योंकि यार बहुत टाइम से ना मेरे घर के पीछे ही रील्स बना रहे हैं, तो एक जगह पे ना मतलब रील्स बना बना के बोर हो चुके हैं, कोई और लोकेशन नहीं है, तो किसी और लोकेशन पे चलते हैं और बढ़िया बढ़िया रील्स बनाते हैं। बाकी ये अपना जो गुगलू है, गुगलू उठ जा। हाँ जी, हेलो गुगलू। तो भाई सीन थोड़ा सा रखा, जो गुगलू है ना, गुगलू को सोने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ऊपर ज्यादातर एसी चलता नहीं है, घर वाले इतना चलाते नहीं है। यहाँ नीचे मेरे रूम में 24/7 एसी चलता ना, गुगलू फुल ऑन चिल मारता। मतलब इसका बेसिकली एसी में रहने के मन करता है, जैसे ऊपर का गेट खुलता है ना, सबसे पहले मेरे रूम में आता भागे भागे और आके आराम से सो जाता है। गुगलू हेलो, देखो उठ भी नहीं रहा। बाकी अब हम जा रहे हैं क्योंकि ना बहुत देर हो चुकी है, अवलीन को आए हुए आधा घंटा हो चुका है और मैं एक रील बना रहा था यहाँ पे ना, किसी के साथ मैंने एक रील बनानी थी तो फटाफट से रील बनाई, और कोमल हमारी वेट कर रही है। बेचारी को वेट करते करते आधा घंटा हो चुका है ऑलरेडी, और हम उसको दो मिनट कह रहे हैं अभी। कभी कह रहे हैं हम बस तेरे घर के पास पहुंच गए, कभी फ्लाईओवर पे पहुंच गए, कभी यहाँ पहुंच गए। वीडियो कॉल करी जा रही थी देर। और बात कैसे कर रहा है वीडियो कॉल पे, कैमरे में हाथ रख के कह रहा बस आगे आगे पुलिस वाले हैं ये वो करके, बस अब हम निकलते हैं और वहां पहुंचते हैं। ये कोमल ने ना हमें इस लोकेशन में बुलाया था, कहती है यहाँ पे बहुत कैडी कैडी लोकेशन होंगी, और यहाँ पर आए हैं। ठीक है, इतनी दूर, लाइक 10 किलोमीटर दूर आए, और कहती है पेड़ के साथ वीडियो बना लो। 10 किलोमीटर दूर नहीं है, 10 किलोमीटर नहीं हो गया भाई, 10-8 हो गया होगा, मतलब भाई ठीक है 10 हो गया, मतलब 8-10 किलोमीटर इतनी दूर आए हैं, और तू क्या कह रही पेड़ के पास वीडियो बना लो। ऐसी लोकेशंस तो मेरे घर के पास भी थी, बहुत खूबसूरत। मेरे घर के पीछे एक जंगल है, वहाँ चलते हैं वगैरह, झाड़ी झूड़ी है थोड़ी सी, काटे कूटे वाली। यार भाई इतना एफर्ट देने का फायदा नहीं है, इंस्टाग्राम पे कोई कमाई नहीं होती है, अगर कहीं कमाई होती तो फिर भी इतनी दूर जाके फायदा था। अभी यार जेब से पैसा लगाएंगे, अब जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। अरे तुम मेरी एंगेजमेंट देखना तुम मेरी। बाकी अभी कह रही वहां चलते हैं, ऋषिकेश चलते हैं, ठीक है, और वहां पे जाके वीडियो बनाते हैं। वहां जो चाचे लगाएंगे ना पीछे डंडे बामे, तभी तो मजा आएगा। दो की जगह चार कर देंगे, लॉकडाउन की फील तो ले ले हम भाई। नहीं भाई हमें नहीं लेनी लॉकडाउन की फील, और लॉकडाउन बंद होने से पहले वापस भी चले जाएंगे हम विद इन 1 आवर, चाहे कुछ भी हो जाए। बढ़िया वीडियो बनाने के लिए है लोकेशन। आज इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना, आज मैं सोया था 4:30 बजे और सुबह एग्जैक्ट 7 बजे उठ गया हूँ, तो बेसिकली ये रीजन था कि जो मेरा स्लीपिंग शेड्यूल है ना उसकी धज्जियां उड़ रखी थी। पिछले एक हफ्ते से मैं रोज 3-4 बजे सो रहा हूँ, तो मैंने आज सोचा था कि आज मैं जल्दी उठूंगा चाहे जितनी मर्जी नींद आ जाए, और आज एग्जैक्टली 8-10 बजे तक मैक्स, या 11 बजे तक मैक्स, या 12 बजे तक मैक्स सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। और बेसिकली अब मैं जिम जाता हूँ, तो मैं जिम जाता हूँ शाम को 4:45 एग्जैक्ट, जिनसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना भाई साहब इतने आज स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने मेरे को सीधा बोला हुआ है कि भाई अगर 4:45 से लेके 5 बजे के बीच में 1 मिनट भी तू लेट हुआ तो भाई साहब मैं तेरे को ट्रेनिंग नहीं करा सकता। और उन्होंने एक और चीज बोल दी है कि भाई अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में तेरे को जिम करने का मौका मिल रहा है, मैं अकेला जिम करता हूँ, तो कह रहे हैं अगर अब तेरी बॉडी नहीं बनी ना तो फिर तो तू खुद हार मान लियो कि पूरी जिंदगी नहीं बन सकती तेरी बॉडी। तो भाई मोटिवेशन लेवल इज टू हाई राइट नाउ। सो गाइस बहुत बुरा वाला कट चुका है इस लड़की के चक्कर में भाई, ये कहां इसने हमें बुलाया था, मैं इमेजिन करके आया था कि ऐसी वीडियो बनेगी वैसे वीडियो बनेगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब होता है ना कि जब बंदे का कोई पैशन होता है, नया नया शौक चढ़ा होता है, बंदा इमेजिन करता है DSLR लेने से पहले बंदा इमेजिन करता है कि ऐसी वीडियोस बनाऊंगा वैसी वीडियो बनाऊंगा, सोचता कुछ आउटपुट कुछ और आता है ना। तो भाई मतलब मेरा इतना तगड़ा पोपट हो गया था, इमेजिनेशन कुछ थी, एक्सपेक्टेशंस कुछ थे, और रियलिटी कुछ और हो गई। साला कबाड़ बड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कचरे के साथ वीडियो बनाऊँ मैं भाई। मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि आधे घंटे में लॉकडाउन होने वाला है, और अगर यहाँ पे मैंने इसकी वेट करी ना तो भाई ये तो चली जाएगी घर, इसका घर यही बगल में है हमारे, लाठी चढ़ इतनी बढ़िया लोकेशन है, वो वीडियो देखेंगे तो ये कचरा है सारा इधर आगे पीछे, आगे दिखाना तेरा घर दिखाना। एक सेकंड गाइस, ये दिखा रहा तू गाइस
आई शो यू ब्यूटीफुल लोकेशन जिसके चक्कर में मैं इतनी दूर आया हूँ. ये ब्यूटीफुल लोकेशन है. वाओ मैन, वाओ वाओ भाई. यहाँ बनाया वीडियो भाई? ये ना यहाँ बनानी है वीडियो है. आगे है लोकेशन, ये थोड़ी है लोकेशन. तो यही तो लेकर आई है तू हमें. वहाँ लेके आई मैं, उधर. कहाँ पे? आगे चल. गाइस आज आपने ना मेरे को एक लॉजिक देना है कि यार ये मतलब इन्होंने लगाया हुआ है कि ये वे टू फार्म हाउस एंड ऑल दैट स्टफ. यार इस गेट का क्या फायदा है? ये मतलब अगर इस बंदे ने गेट लगा रखा है, अब इस गेट के अंदर तो मैं आराम से जा सकता हूँ ना. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ब्लडी गेट, टेल मी. जवाब दीजिए गाइस. यहाँ से मेरी बाइक भी चली जाएगी और अगर मैं चाहूंगा ना कि यहाँ से मैंने अपनी थार निकालनी है तो मैं थार भी निकाल लूंगा. कोई इतना बड़ा इशू वाली बात नहीं है. लेकिन फिर भी ये गेट हमें यहाँ पे सबसे बेहतरीन लगा, बेटर देन द अदर प्लेसेस. तो यहाँ पर हम एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि और कोई हमारे पास रास्ता बचा नहीं है इन मैडम के चक्कर में. कुछ कहना चाहेंगे आप? I'm sorry. हमारा टाइम बर्बाद करके कैसा लगा आपको? दिखा लोकेशन पहले, दिखा. वाह व्हाट अ लोकेशन, व्हाट अ लोकेशन. वाओ नहीं यहां दिखा रुक. वाओ दिखा दिखा लोकेशन दिखा. ये रहे इतने प्यारे प्यारे बंदर. हाँ बंदर, ये बंदर तेरे चांटे देंगे. सुंदर पेड़. ओ गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही, गाड़ी. अबे अबे गलत कर रही है अभी. ये तो है. सोने नहीं दिंदी, मैंने सोने नहीं दिंदी. देख रहे हो, पहले हमें डांस सिखाती थी, अब हम इसको डांस सिखा रहे हैं. तो मतलब एक क्वोट होता है ना कि जिसको आप अपना मेंटोर समझते हो ना उससे आगे बढ़ो. तो हम अपने मेंटोर से भी आगे बढ़ चुके हैं. ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से भी सीखता है. आए हाय क्या बात है. सही है यार, वैसे एक दूसरे को सपोर्ट करो भाई. लेकिन मैं तेरे को एक बात बताऊँ, सीरियस बात बता रहा हूँ गाइज. मतलब मैंने एक चीज देखी, जितनी भी मेरी इंस्टाग्राम की वीडियोस है ना वो अवलीन शूट करता है. और भाई माँ कसम बता रहा हूँ, जैसे तू शूट करता है ना, अगर तू भाई कैमरे से डीओपी मतलब कैमरे से शूट करना स्टार्ट करता है ना, डीओपी बन जा भाई, एंड हो जाएगा. अगर देखो मतलब कैमरे की सेटिंग पता लग जाए और फोकस का सिस्टम, भाई एंड कर देगा तू. लिटरली बता रहा हूँ, यू कैन डू वंडर्स इन दिस लाइन. भाई सिंगिंग छोड़कर डीओपी बन जा. फिर इंटरव्यू में बोलेगा, ओ पहला मैं अपना सिंगर बनना चाहता सी, ओ चलिया नहीं मैं. फिर ना मैनू साहिब वीरा मिलिया, मैं उन्हें तो इंस्पिरेशन लेती. उन्हें कहा डीओपी बन, उन्हें कहा डीओपी बन, ते आज देख लो मैं डीओपी करदा 700. मैं जंगलात से जा जाके लोका दी वीडियो शूट करदा, जंगलात से जा जाके पहन नहीं मिलता मैनू, पहन नहीं मिलता. 500 रुपए मात्र, 500 रुपए लोकेशन भी साडी. गाइज फाइनली जो हमारा रील्स का शूट था, हमने 5-6 वीडियोस बनानी थी, वो बन चुकी हैं और बढ़िया बन चुकी हैं यार. पहले लग रहा था कि लोकेशन बेकार है, लेकिन जब हमने सोचा कि काम करते हैं तो लोकेशन और जगह है ना अपने आप मिलती रही, तो हो गया. चलो बाकी लेकिन ये मेरे चक्कर में हुआ, अगर तू अकेले आती तेरे से ना बनती वीडियो. हाँ, और दूसरा ये ना अवलीन वीडियो एडिट करता है, अवलीन वीडियो एडिट कर रहा था और मेरे को कह रहा ये वाली ट्रांजेक्शन बढ़िया लग रही है. ट्रांजेक्शन ट्रांजिशन को कह रहा है ट्रांजेक्शन. अब भाई क्या हो गया भाई, गलती से निकल गया मुंह से. तू बैंक में जाके ट्रांजिशन कराई हो एक. ठीक है, तुम बैच खोल के मार लेते बढ़िया करके, बिना तेल लगाए मारते हो ये जा रहा चुपचाप. वैसे गाइस एक चीज तो है, अभी भाई जरा मतलब जो लॉकडाउन है वो होने वाला है, 10 मिनट बचे हैं और मेरे को डर लग रहा है कि हमारा हम दोनों का तुड़ान ना हो जाए तो घर चली जाएगी. इसका नदी के किनारे घर है, हमारी बहन नदी किनारे. आओ मिलने, आओ आओ मिलने, आओ मिलने भाई. बहुत आओ आओ. सॉरी यार, कल थोड़ा ना व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिला मेरे को व्लॉग करने का. कल मैं जिम करने तो गया तो मेरे सर ने मेरे को बोला कि भाई अगर तू जिम कर रहा है ना वीडियो मत बना, क्योंकि मसल माइंड कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मैंने सर को बोला सर बनाने दो ना थोड़ी बहुत. सर ने कहा चल बिना जब वर्कआउट नहीं करेगा तब बना ले. तो यार अब तो वीडियो बन नहीं पाई. बाकी मैं अब कल या परसों दोस्त को लेके जाऊंगा कि भाई मेरे को थोड़ा कंपनी कर, जब मैं जिम करूंगा थोड़ी वीडियो बना दिया कर. बाकी मेरा ना मतलब एक बहुत बड़ा पोपट हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या. मेरा एक कोरियर आना है, पिछले 3-4 दिन से वो देहरादून पहुंच चुका है और वो कहता है आज डिलीवर करूंगा. 4 दिन हो चुके हैं और आपको पता ही होगा वो फीलिंग जब आपका सामान आ गया होता है पर वो डिलीवर नहीं हो रहा होता. तो आज तो मैं सामान खुद ही लेने जा रहा हूँ क्योंकि भाई
लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो मैंने कहा भाई मैं खुद आ रहा हूँ सामान लेने, तो जाते हैं सामान उसको लेके आते हैं, और सामान इज समथिंग रियली अमेजिंग जो आया है, तो मैं आज तो नहीं दिखाऊंगा आपको इस वाले ब्लॉग में, आपको कल या परसों वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि मैंने अपने लिए क्या मंगवाया, मतलब मैंने मंगवाया नहीं है, मुझे किसी ने कुछ गिफ्ट करा, एंड दैट्स समथिंग अमेजिंग। तो भाई देखो जो अपना कोरियर है वो आ चुका है, भाई देखो वो तो देने आ नहीं देता था, हम खुद ही लेने चले गए, एंड अभी 11 बज रहे हैं, तो अभी अभी घर वापस आएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं कि इस बॉक्स में क्या है तो प्लीज मुझे बता देना, और आज कोशिश करूंगा कि यार जिम में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूं। बाकी अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा ना तो प्लीज गाइस लाइक कर देना, अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हो, और कमेंट जरूर कर देना। लव यू गाइस।